यस गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज मैं एवी स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें क्लास से फॉर एंड सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर। जिस मैं आज बेसिक क्लासेस लेने जा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कोरोना महामारी फैल रही है, तो बुक क्या बुक कर रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। आप हमारे एवी स्कूल द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाती है उसके थ्रू आप पढ़ाई कीजिए। एंड ये जो बेसिक क्लासेस से स्टार्ट करने का है कि मतलब जिससे कि आप वापस एक बार जो कोर्स अपने कंप्लीट हो चुका है उसको रिवाइज करते हैं। तो आइए आज मैं क्लास फोर्थ की हिंदी ग्रामर लेने जा रही हूँ। इसमें सबसे पॉइंट है अपने भाषा लिपि और व्याकरण। क्या पॉइंट है? भाषा लिपि और व्याकरण। मेन पॉइंट है भाषा। तो भाषा क्या होती है? भाषा होती है भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन। भाषा क्या है? जो हम बोलते हैं, जो हम आपस में बात करते हैं, उसके जो भाव होते हैं वो एक दूसरे से व्यक्त होते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। एक फर्स्ट रूप होती है मौखिक और सेकेंड होता है लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं मौखिक और लिखित। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिसमें हम बोल कर किसी भाव को व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाता है। और लिखित किसे कहते हैं? जो हम लिख कर किसी चीज़ के ऊपर लिख कर, जैसे बुक है तो वो क्या एक तरह से लिखित भाषा है। और मैं जो तुम्हें पढ़ा रही हूँ क्या है? मौखिक भाषा। वो मैं बोल के समझा रही हूँ, वो एक मौखिक भाषा जो लिखी भी होती है वो लिख कर कहलाती है। तो मौखिक भाषा बोल कर और लिखित भाषा लिख गुजराती, बंगला, संस्कृत, उड़िया, डूंगरी, बुड्डो, सिंधी, उर्दू, तमिल, मणिपुरी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, मैथिली, कोंकण, पंजाबी, संस्कृत। ये सब क्या है? हमारी 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे भारतीय संविधान में लागू किया गया है। एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ। असमिया, गुजराती, बंगला, संस्कृत, उड़िया, डूंगरी, बोडो, सिंधी, उर्दू, तमिल, मणिपुरी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी, पंजाबी, ये इम्पोर्टेंट भाषाएं जिनको हमारे देश में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब है भाषा और बोली। भाषा और बोली क्या होता है? भाषा का अर्थ विकसित रूप से बोली कहलाता है। भाषा का अर्थ विकसित रूप से बोली कहलाता है। भाषा का अर्थ विकसित रूप से बोली कहलाता है। ये एक बड़े भूभाग व्यक्त होने वाले भाषा के कुछ क्षेत्र रूप में विकसित हो जाता है, जिसे हम बोली कहते हैं। बोली, बोली क्या है? जो हम आपस में बात करते हैं वह बोली। बोली में भी बहुत सी लैंग्वेज होती है, जैसे ब्रज, अवधि, मिथिली, ये सब क्या है? खड़ी बोली, हरियाणी बोली, ब्रज भाषा, ये सब क्या है? बोलियों के प्रकार हैं। जैसे यस, ये पॉइंट्स देखिए आप, मैं आगे और पॉइंट्स लिखवा दूँ। ये वर्क आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है, नीट एंड नीट क्लीन हैंडराइटिंग में। और कैलकुलेटर को पर्सनल नंबर पे ही सेंड करना है। वर्क ग्रुप में कोई इस वर्क को सेंड नहीं करेगा वापस। आपको वर्क करके आप अभी कोई भी
पश्चिम 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 में कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्चिम में बोली जाती है हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, और राजस्थान। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिम के क्षेत्र में बोली जाती है हरियाणी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और राजस्थान। अब पूर्व में कौन सी भाषा बोली जाती है पूर्व क्षेत्र में? अभी छत्तीसगढ़, ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो पूर्व के क्षेत्र में। यस, पूर्व के क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? एक तो अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बदली है, और भोजपुरी है, और मैथिली। ठीक है, ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? पूर्व के क्षेत्र में। इसके बाद है उत्तर के क्षेत्र में। उत्तर में गढ़वाली और जिसे हम पहाड़ी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पहाड़ी भाषा। कुमाऊं, कुमी, गढ़वासा और कुमाऊं। और दक्षिण में हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा, यस। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। पश्चिम में हरियाणी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और राजस्थान। पूर्व में बोली जाती है अवधी, छत्तीसगढ़, बंदेली, भोजपुरी, मैथिली। उत्तर में बोली जाती है गढ़वाली और कुमाऊं, जिसे हम पहाड़ी भाषा बोलते हैं। दक्षिण में बोली जाती है दक्षिणी और हिंदी। और कौन सी है? दक्षिणी और हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अब हम पढ़ते हैं लिपि। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लिपि का। वर्णों का उच्चारण ध्वनियों
से होता, वर्णों का उच्चारण किससे होता है, ध्वनियों से होता है, होता है। यस, सेकंड पॉइंट अपने लिपि। लिपि क्या होती है? वर्णों का उच्चारण ध्वनियों से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण ध्वनियों से होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। ध्वनि के लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता, जो ध्वनि हम लिखते हैं, जैसे हम कुछ चीज लिखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चिन्हों यानी निशान की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि। ध्वनि का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। तो हमारे मेन इंपॉर्टेंट लिपियां कौन कौन सी है? भाषा, हिंदी, संस्कृत और मराठी। इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी